हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम एक ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि जिनको अगर आप नियमित दबाते हो तो आपके शरीर के मसल, टेंडन और लिगामेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगे वह सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह पॉइंट हमारे टेंडन, मसल और लिगामेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपके मसल, टेंडन और लिगामेंट इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि फिर उनको तोड़ना भी नामुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके मसल, टेंडन या तो लिगामेंट में कोई इंजरी आई है तो उनका रिपेयरिंग वर्क, उनका हीलिंग भी बहुत ही फास्ट होने लगेगा अगर यह पॉइंट को आप दबाते हो, नियमित उनके ऊपर एक्यूप्रेशर डालते हो। तो यहाँ पर आपको मैं एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको कोई शोल्डर पेन है, या तो शोल्डर के मसल में इंजरी हुई है, या तो फिर टेनिस एल्बो है, एल्बो के मसल में इंजरी हुई है, या तो फिर आपको कोई लिगामेंट इंजरी हुई है जैसे कि एंकल स्प्रेन, एंकल में मचकोड़ आ गई है, या तो फिर आपको पैरालिसिस की असर हुई है, पैरालिसिस की वजह से आपके मसल पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, आपके मसल अगर वीक हो गए, तो यह पॉइंट आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। आपके मसल, लिगामेंट और टेंडन के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में यह पॉइंट आपको ज़रूर दबाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं यह पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, और यह पॉइंट का नाम है GB34 यानी के गॉल ब्लैडर का 34 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट का आपको मैं लोकेशन बताने वाला हूँ, फिर आपको यह पॉइंट को किस तरीके से दबाना है वह तकनीक भी पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो यह पॉइंट हमें घुटने के नीचे मिलता है, तो इनके लिए आपको घुटने के बाहर की साइड इस तरीके से हाथ को घुमाना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक उभरी हुई हड्डी मालूम पड़ेगी, उभरी हुई हड्डी आपको टच में आएगी, तो यह हड्डी को आपको पकड़ लेना है। बहुत ही आसानी से आप यह हड्डी को पकड़ पाओगे, क्योंकि आजू बाजू कोई भी जगह पे ऐसे उभरी हुई हड्डी आपको महसूस नहीं होगी। तो पहले आपको घुटने को पकड़ लेना है, घुटने से आप थोड़ा सा बाहर की ओर जाओगे तो यहाँ पर यह हड्डी मिलेगी। यह हड्डी से आपको एक उंगली नीचे जाना है, फिर एक उंगली बाहर जाना है। जहाँ पर यह दो उंगली एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिल जाएगा, तो यह पॉइंट को हमें दबाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको घुटने से बाहर की ओर जाना है, तो यहाँ पर आपको उभरी हुई हड्डी मिलेगी। तो यह हड्डी से आपको एक उंगली नीचे और एक उंगली बाहर जाना है। जहाँ पर यह दो उंगली एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पर यह पॉइंट पकड़ लेना है, उनको लोकेट कर लेना है, फिर यह पॉइंट को 2 मिनट के लिए इस तरीके से आप पकड़ के रख सकते हो, या तो फिर इनको ऐसे सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा भी सकते हो, इनको एक्यूप्रेशर दे सकते हो, या तो फिर इनको पंपिंग भी कर सकते हो। पर सबसे आसान तरीका है इनको आप 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकड़ के रखिए। इसी तरीके से आपको दिन में 2 बार एक्यूप्रेशर देना है यह पॉइंट को। तो यहाँ पर हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जाना और किस तरीके से यह पॉइंट को आपको दबाना है वह पूरी तरीके से हमने डिटेल में जानकारी ली। यह पॉइंट को इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट भी बोला जाता है एक्यूप्रेशर के टर्मिनोलॉजी में। इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट यानी के प्रभावशाली बिंदु। यह पॉइंट को दबाने से इनके संबंधी जो भी ऑर्गन होता है उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारा यह पॉइंट टेंडन, लिगामेंट और मसल पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, इसीलिए हमें इनके संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वह सब गायब होना शुरू हो जाता है। तो यह पॉइंट को आपको दिन में सिर्फ 2 बार दबाना है और एक समय पर 2 मिनट के लिए दबा के रखना है। दोनों साइड पर आपको यह पॉइंट को दबाना है। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
Thank you for watching.